हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू इंस्पायर वर्क्स एंड नाउ इट्स टाइम टू रिव्यू दिस बोट पावर बैंक। दिस इज अ 20,000 mAh पावर बैंक जिसे मैंने रिसेंटली परचेज किया है एंड दिस वन इज वन ऑफ इट्स ओन काइंड फ्रॉम बोट, जो कि बोट ने रिसेंटली इसे लॉन्च किया है। जैसा कि हम सबको पता है, बोट अपने ऑडियो एसेसरीज के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। बोट के काफ़ी सारे ब्लूटूथ स्पीकर मैं यूज़ कर रहा हूँ एंड आई नेवर फाइंड एनी काइंड ऑफ इशू विद दोज डिवाइसेस। तो रिसेंटली बोट ने ये अपना पावर बैंक लॉन्च किया और इसका जो सबसे बेहतरीन पावर बैंक था, जो 20,000 mAh का पावर बैंक था, जो कि ड्यूअल इनपुट पे चार्ज होता है और आपके साथ ड्यूअल आउटपुट लेने का इसमें जो है फीचर दिया गया है, वो मैंने पावर बैंक मंगाया और इसका मैंने 2 दिन तक टेस्ट किया। मैंने इसको एक बार चार्ज किया, उसके बाद आई हैव मल्टीपल टाइम्स यूज इट फॉर चार्जिंग माई गैजेट्स और अदर एसेसरीज को लाइट अप करने के लिए। बट आई रीड अ लॉट ऑफ वियर्ड कॉमेंट जिस पोर्टल से मैंने इसको परचेज किया वहाँ, और मैंने जो इनिशियल वीडियो डाला था वहाँ भी मुझे कुछ ऐसे कॉमेंट्स मिले जिससे मुझे लगा कि इसके बारे में आप लोगों से कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है, आपके साथ डिटेल शेयर करना बहुत ज़रूरी है। जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ उस चीज़ को शेयर करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको सही जानकारी मिल सके और आप को कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इमीडिएट एक्शन ले सकें। तो लेट्स गो अहेड एंड चेक इट आउट कि व्हाट एग्जैक्टली आई एम हैविंग विद दिस बोट पावर बैंक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दिस वन इज मेड इन इंडिया प्रोडक्ट। जी हां दोस्तों, ये मेड इन चाइना नहीं है और आप इसका डिजाइन एंड लुक देखेंगे तो दिस वन हैज अ वेरी फाइन डिजाइन एंड लुक विथ लॉट्स ऑफ फीचर्स। एल्युमिनियम केसिंग के साथ आता है, मल्टीपल इनपुट चार्जिंग है, मल्टीपल आउटपुट आप इससे ले सकते हैं एंड देयर आर लॉट्स ऑफ अदर फीचर जिसके ऊपर ये अभी तक पूरी तरीके से स्टैंड करता है। जो इसका स्पेक्स दिया गया है, जो फीचर्स दिया गया है, उसके हिसाब किताब से ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा वहाँ पर मैंशन है अभी तक जो मैंने यूज़ किया है। तो सबसे पहले हम चलते हैं और बात करते हैं कि जब मैंने इसको फुली चार्ज किया ड्यूअल इनपुट के साथ तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आया कि नहीं। तो मेरा आंसर है नो, क्योंकि जब मैंने इसे रिसीव किया था तब मैंने अपने माइक्रो यूएसबी और टाइप सी केबल दोनों को एक साथ लगा के इसे चार्ज पे लगा दिया और कई बार मैंने इसे चेक किया कि कहीं ये गर्म तो नहीं हो रहा, कोई और प्रॉब्लम तो इसके अंदर नहीं आ रहा, और ये कंटिन्यूसली चार्ज होता रहा। जब तक फुली चार्ज नहीं हो गया तब तक मैंने इसे चेक किया एंड मुझे कहीं से भी नहीं लगा कि ये किसी भी एज से इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही है, ये हीट अप हो रहा है। सो आई डिडेंट फाइंड एनी काइंड ऑफ इशू वाइल चार्जिंग दिस पावर बैंक। अब हम बात करते हैं कि जब मैंने इसे एक बार फुली चार्ज कर दिया तो कौन कौन से गैजेट्स उसके बाद मैंने चार्ज किए हैं। तो अभी मैं आपको दिखा दूँ कि अभी आप देख सकते हैं इसमें जो है टोटल 4 इंडिकेटर हैं कि ये फुली चार्ज जब होता है तो इसमें 4 LED जलते हैं और अभी आप देखेंगे कि इसके अंदर 3 LED जल रहे हैं। और मैंने इसे सिर्फ 2 दिन पहले एक बार फुल चार्ज किया था। इसके बाद मैंने क्या क्या किया है, इसके बाद मैंने कई बार अपना ये OnePlus 6 मोबाइल फ़ोन जो है इसके साथ चार्ज किया है, जो कि ये 50% पे था या कभी 60% पे था तब मैंने इसके साथ चार्ज किया, ये या कभी ये 0% पे था। तो 4 से 5 बार मैं इस OnePlus 6 मोबाइल फ़ोन को चार्ज कर चुका हूँ। उसके बाद मैं अपने टैबलेट्स को इसके साथ चार्ज कर चुका हूँ, उसके बाद मैं अपने मोबाइल फ़ोन A7 को इसके साथ चार्ज कर चुका हूँ। तो आई हैव यूज्ड इट मल्टीपल टाइम्स। बट सबसे बड़ा शॉकिंग वाला जो चीज़ है मैं आपको वो बताता हूँ कि मैंने अपने इस LED वीडियो लाइट को भी काफ़ी देर तक इसके साथ अटैच करके रखा, इसके साथ पावर के साथ मैंने जोड़ करके रखा तकरीबन 1 घंटे के आसपास में, एंड स्टिल यू कैन सी कि अभी तक इसका जो है 1 पॉइंट ही डाउन हुआ है। सो यू कैन इमेजिन कि हाउ मच पावरफुल दिस पावर बैंक इज़। अभी भी अगर मैं इसे चाहूं तो मुझे जिस हिसाब किताब से मैं इसे यूज़ कर रहा हूं उस हिसाब किताब से मुझे लगता है, और जिस हिसाब किताब से ये जो है आउटपुट मुझे दे रहा है उस हिसाब किताब से ये लगता है कि अगले 5 से 6 दिन तक मुझे इसे फुली चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है या दोबारा चार्ज पर लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो इट्स रियली अमेजिंग।
तो जो लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि इसमें जो है चार्ज में लगाने के बाद मोबाइल फ़ोन चार्ज होना बंद हो जाता है या ये ऑफ होना बंद हो जाता है, तो प्लीज़ चेक दिस डिवाइस, और अगर आपको ऐसा कोई इशू हो रहा है तो गेट दिस रिप्लेस। नाउ यू गाइस विल से मी कि मैंने अपने इस वीडियो लाइट को किस तरीके से इस पावर बैंक के साथ पावर सप्लाई दिया, तो बहुत जल्द मैं इस LED वीडियो लाइट पे भी एक वीडियो लेके आने वाला हूँ जिसके अंदर सारे इसके स्पेक्स, फीचर्स एंड डिटेल बताऊँगा। ये बहुत ही उम्दा किस्म का वीडियो लाइट है जो आप यूज़ कर सकते हैं विथ मल्टीपल फीचर्स, और ये बहुत ही बजट में है। तो वेट फॉर माई दैट वीडियो। अब हम चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि आप सिंपली अगर आपके पास इस तरीके का वीडियो लाइट है जो USB के साथ आता है तो आप किस तरीके से इसमें अटैच कर सकते हैं। कोई भी पावर बैंक हो, ये पावर बैंक हो या कोई भी पावर बैंक, मैं इस पावर बैंक के साथ आपको अटैच करके बताता हूँ। एंड आई हैव यूज्ड दिस वीडियो लाइट विथ दिस पावर बैंक नियर अबाउट 45 मिनट्स और मोर देन दैट। एक घंटे से मुझे लगता है कि मैंने ऊपर ही यूज़ किया होगा एक ही बार इसको चार्ज करने के बाद। तो चलिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये देखिए, ये इसका केबल है, मैंने इसमें अटैच कर दिया है और आप देखिए यहाँ पे LED ग्लो करना स्टार्ट कर गया है। एंड लेट मी मेक दिस ऑन फ्रॉम बैक। नाउ यू कैन सी। सो अब ये देखिए, ये इस LED लाइट से जो है ग्लो कर रहा है, ये मेरा जो है वीडियो लाइट है दैट इज ग्लोइंग फ्रॉम दिस पावर बैंक। सो दिस इज़ अ वेरी हैंडी पावर बैंक, और इसके साथ भी मैंने जब इस वीडियो लाइट को यूज़ किया तो मुझे लग रहा था कि ये बहुत जल्द डिस्चार्ज हो जाएगा, बट आप देख सकते हैं कि अभी भी इसके अंदर 3 पॉइंट्स है। सो आफ्टर यूजिंग दिस पावर बैंक फॉर 2 डेज विथ मल्टीपल गैजेट्स, हेयर इज माई फाइनल रिव्यू। बट ये लॉन्ग टर्म का रिव्यू नहीं है, ये शॉर्ट टर्म का रिव्यू है आप लोगों के कुछ कन्फ्यूजन्स थे, कुछ क्वेश्चंस थे, उनको दूर करने के लिए, ताकि आपको जो है ऐसा कोई प्रॉब्लम हो रहा है इस पावर बैंक के साथ, लाइक कि आप इसके साथ मोबाइल फ़ोन अटैच कर रहे हैं और उसे चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये पावर ऑफ हो जा रहा है या आपका मोबाइल फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा है, तो उस चीज़ में आपको हेल्प मिले। तो नंबर वन, जब आप इसे डुअल इनपुट के साथ जो है चार्ज करते हैं तो इसके साथ ऐसा कोई इशू नहीं आता है, लाइक कि हीटिंग इशू या फिर ये चार्ज नहीं हो रहा है, ऐसा कोई इशू नहीं आता है। ऑल दो इट विल टेक क्वाइट अ लॉन्ग टाइम टू गेट फुली चार्ज्ड, बट ऐसा कोई इशू इसके अंदर नहीं आ रहा है। अगर आप ये इशू फेस कर रहे हैं तो आप प्लीज इसे रिप्लेस करें। सेकेंड थिंग, अगर मैं इसे कोई भी आउटपुट लेता हूँ, अपने मोबाइल फ़ोन को, टैबलेट को या अपने LED लाइट को पार इससे देता हूँ तो मुझे इसके साथ जो है कोई भी इशू नहीं आ रहा है, ना ही हीटिंग इफेक्ट हो रहा है इसके अंदर, और ना ही ये डिसकनेक्ट हो रहा है, ना ही ऑफ हो रहा है। सो प्लीज़ इफ़ यू गाइस आर हैविंग सच काइंड ऑफ इशू देन गेट इट रिप्लेस्ड। तो ये पावर बैंक का स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स जैसा है और जिस हिसाब किताब से ये पावर बैंक बताया गया है उस हिसाब किताब से ये पावर बैंक बहुत ही सही है, एज़ कम्पेयर टू दी अदर पावर बैंक जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं, उनसे काफ़ी बेहतरीन ये पावर बैंक है अगर आप ये लेते हैं। एंड द फाइनल थिंग इज़ दैट कि ये पावर बैंक आपको केवल 1099 में मिलता है। जी हाँ, बिकॉज ऑफ द फर्स्ट लॉन्च फ्रॉम द बोट, ये ऐसे तो 1999 का है, बट विथ डिस्काउंट यू विल गेट जस्ट इन 1099 ऑन Amazon। सो एज कम्पेयर टू द अदर पावर बैंक जो कि 20,000 mAh के हैं, उनसे काफ़ी सस्ता है। सो दिस वन इज ऑल्सो इन अ बजट एज कम्पेयर टू द अदर पावर बैंक। ये एक बात हो गई, लेकिन देर आर फ्यू थिंग्स जो मुझे अच्छा नहीं लगा और माइनर सा है बट स्टिल इट हैज अ इशू। सबसे पहले कि ये केबल देखिए, इस केबल का लेंथ कितना है, यू कैन इमेजिन कि ये हाउ शॉर्ट दिस केबल इज़। तो इस पावर बैंक के साथ इतना छोटा केबल देना सही नहीं है, इट शुड बी क्वाइट लॉन्ग कि थोड़ा सा साइज में होना चाहिए ताकि आप इसे सही तरीके से कहीं भी रख करके इसको जो है पावर सप्लाई दे सके चार्ज होने के लिए। अदर देन दैट विथ 1 ईयर ऑफ डोमेस्टिक वारंटी एंड 20,000 mAh of capabilities, this power bank is very very much efficient as per its specifications and features।
तो इस वीडियो में मैंने स्पार बैंक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आप लोगों को बताई है वो बिल्कुल ही सही है। मैंने जैसा इसको यूज़ किया है और जिस हिसाब किताब से मैंने इससे आउटपुट लिया है और जिस हिसाब किताब से मैंने इसे चार्ज किया है उस हिसाब किताब से मैं आपको बता रहा हूँ। देर इज़ नथिंग मिक्स एक्स्ट्रा इन दिस। तो अगर आपको इस पावर बैंक के साथ कोई इशू आ रहा है, अगर आप ये फील कर रहे हैं कि ये पावर बैंक में कुछ ऐसा प्रॉब्लम मुझे फील हो रहा है या कुछ इसमें ऐसा हीटिंग इफेक्ट आ रहा है या पावर ऑफ हो जा रहा है चार्ज करते वक्त मोबाइल फ़ोन या कोई भी गैजेट चार्ज करते वक्त, तो आप प्लीज़ इसे तुरंत ही रिप्लेस करें बिना सोचे। सो होप दैट कि इस वीडियो से आपको इस पावर बैंक के यूसेज, पावर बैंक के फीचर्स और पावर बैंक की कैपेबिलिटीज़ के बारे में जानकारी मिली होगी। और आप कोई ऐसा इशू फेस कर रहे हैं इस पावर बैंक से तो आप जरूर कोई नेसेसरी स्टेप लेकर के इसे रेक्टिफाई करेंगे। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू इंस्पायर वर्क्स।